स्टूडेंट्स आज की वीडियो बायोलॉजी प्रैक्टिकल प्लांट की बेसिक टर्मनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम सिर्फ वही प्लांट टर्मनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो हमें आने वाले दिनों में प्लांट फैमिलीज को स्टडी करने के लिए रिक्वायर है एक दफा हमें टर्मनोलॉजी समझ आ जाती है तो प्लांट फैमिलीज को समझना और याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा मैंने सिर्फ वही टर्म्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और उनको एक्सप्लेन किया है जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा टर्म्स को मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है तो आइए शुरू करते हैं लेकिन इसको शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें अगर आप मुझसे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बालाजी बाई भट्टी तो आई स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले लीफ लीफ अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीफ के स्ट्रक्चर में आपको सर्टेन चीजें नजर आती हैं एक तो लीफ जहां पर स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ अटैच हो रहा था वहां पर दो छोटे छोटे लीफ नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग स्टाइपुल्स का नाम देते हैं तो जिन लीव्स के अंदर स्टाइप्यूल्स मौजूद हों उसको स्टाइपलेट कहते हैं और अगर ये स्टाइप्यूल्स ना हो तो एक्स एक्सटाइपलेट का नाम दिया जाता है दूसरा कैक्टर होता है पेटियोल पेटियोल वो डंडी है जिसके साथ पत्ता जुड़ा हुआ होता है अपनी ब्रांच के साथ अपनी ट्विक के साथ तो ये जो डंडी होती है उसको हम लोग पेटियोल का नाम देते हैं जिन लीव्स में ये पेटियोल मौजूद है उन्हें पेटियोलेट कहते हैं और जिनमें एबसेंट है उन्हें हम ई पेटियोलेट का नाम देते हैं लीफ का वो चौड़ा हिस्सा जो आपको ग्रीन नजर आता है इसको हम लोग लीफ ब्लेड या लेमिना का नाम देते हैं दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए लीफ के सेंटर से जो हमारे पास वेन गुजर रही होती है दैट इज कॉल्ड एज मिड रिप और मिड रिप में से फिर मजीद छोटी बड़ी वेन्स निकली हुई होती हैं तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है लीफ का आइए अब डिटेल्स में इसके करेक्टर्स पे बात करते हैं सबसे पहले सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ की देखिए अगर आपके पास लीफ ब्लेड डिवाइडेड नहीं है तो आप ऐसे simple, simple कहते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ चोटे -चोटे में डिवाइड हुआ जिनको आप लोग लीफलेट्स कहते हैं तो ऐसे लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ का नाम देते हैं ये लीफ लेट्स जिस कॉमन ब्रांच के साथ जुड़े हुए होते हैं उस कॉमन ब्रांच को हम लोग प्रेक्स का नाम देते हैं नेक्स्ट करेक्टर है जी पेटियोल तो मैंने पहले भी कहा कि वो डंडी जिसके जरिए से पत्ता जो है वो अपनी शाख के साथ जुड़ा होता है उसे पेटियोल का नाम देते हैं जिन लीव्स में पेटियोल होती है उन्हें पेटियोलेट और जिनमें ये पेटियोल नहीं होती उन्हें ई पैटियोलेट या नाम दिया जाता है फिर जी स्टाइपल तो मैंने पहले कहा कि क्या चीज है स्टाइपूल जो है वो लीफ लाइक आउट ग्रोथ जो कि लीफ की बेस पे मौजूद है तो जिन लीव्स में ये पाई जाती है उन्हें स्टाइपलेट कहते हैं और जिनमें ये नहीं पाई जाती उन्हें

और अगर एक लीफ नोट के ऊपर आपके पास दो से ज्यादा लीव्स एक वर्ल्ड की शक्ल में मौजूद है घेरे की शक्ल में मौजूद है तो ऐसी लीफ को वर्ल्ड का नाम दिया जाता है पल्विनस क्या चीज होती है लीफ की बेस में एक स्वलन पार्ट होता है लीफ जहां पर अपने स्टेम के सर अटैच हो रहा होता है वहां पर यह स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तमाम लीव्स में ये नहीं पाया जाता कुछ लीव्स में होता है तो आपका जब स्पेसिफन मिले तो आप देख सकते हैं कि उसमें पल्विनस है या नहीं हमारे सिलेबस में अगर आप देखें तो के सी फिस्टूला अमल तास के अंदर आपको पलविनस नजर आता है सो ये उसका करेक्टर होगा उसके बाद जी ये है जो टर्म मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है मैंने इसलिए प्रोवाइड कर दी है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो एक नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ लेता है तो अगर आपको डेफिनेशन याद होगी आप तभी लिख सकते हैं वरना आपका एक कीमती नंबर जाया होने का डर होता है दूसरा वाइवा के अंदर भी एग्जामिनर जो है वो अमूमी तौर पर इस तरह की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है तो ये डेफिशन अगर आपने वर्ड टू वर्ड याद की हुई होंगी तो ही आप पेपर में लिख सकते हैं अगर आप अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करते हैं तो अमूमी तौर पर आप इसका कोई ना कोई कम्पोन मिस कर जाते हैं और वो डेफिनेशन या तो आपकी इनकम्प्लीट रह जाती है या वो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाती है दोनों सूरतों में एग्जामिनर जो आपके नंबर काट लेगा तो प्रैक्टिकल के अंदर एक एक नंबर कीमती होता है इसलिए डेफिशन मैंने प्रोवाइड कर दिए सिम्पल लीफ और कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन है आप यहाँ से डेफिनेशन अपने रजिस्टर में अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं

वो डंडी जिसके जरिए से ममी तौर पे हम लोग फ्लार को पकड़ते हैं उसको पेडिसल का नाम दिया जाता है उसके बाद वो चौड़ा फूला हुआ हिस्सा जिसके जरिए से जिसके ऊपर आप कह लें कि फलार के, के मुख्तिस स्ट्रक्चर अटैच होते हैं इस चौड़े फूले हुए हिस्से को थैलमस या टॉरस का नाम दिया जाता है उसको रिसेप्टल भी कहते हैं उसके बाद वो पार्ट्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं आप सेपल्स कहते हैं जब फूल बंद होता है कली की शक्ल में होता है तो सेपल्स ने उसको कवर किया हुआ होता है सेप्पल्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है वो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं जैसे रोज के अंदर आपको रेड कलर में नजर आएंगे सनफ्लावर में आपको येलो कलर में नजर आएंगे उसके बाद स्टेमन आ जाते हैं स्टेमन इसका मेल रिपोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन के भी दो हिस्से होते हैं ये जो डंडी नुमा हिस्सा होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फिलामेंट का और चौड़ा हिस्सा जो होता है ऊपर जो यहाँ पे येलो कलर से शो किया हुआ है इस चौड़े फूले हुए हिस्से को एंथर का नाम दिया जाता है उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है पिस्टल या कार्पल एक ही चीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन हिस्से होते हैं सबसे ऊपर वाला ब्रॉड हिस्सा जो है वो स्टिग्मा स्टिगमा कहलाता है उसके नीचे नैरो पार्ट होता है इज कॉल्ड ए स्टाइल और सबसे नीचे बेस के अंदर ओवरी मौजूद होती है तो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है फ्लार का अब आज जरा कुछ टर्म्स देखते हैं जो हमें फ्लोरल फार्मूला में चाहिए होते हैं सबसे पहले टर्म है केलक्स केलक्स बेसिकली सेपल्स को कलेक्टिवली कहते हैं ऑब्वियसली बात है कि किसी एक फूल में एक सेपल नहीं होती चार पाँच या उससे भी ज्यादा सैपल्स हो सकती हैं तो जो सेपल्स का पूरा एक वर्ल होता है जो पूरी कलेक्शन होती है उसे हम लोग केलेक्स का नाम देते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे कोरोला आ जाता है जो कलरफुल पैटल्स होती हैं वो भी एक पैटल नहीं एग्जिस्ट करती वो पूरा एक घेरा होता है पूरा एक वर्ल होता है तो जो पैटल का वर्ल है या उसकी कलेक्शन है उसको कोरोला का नाम देते हैं याद रखें केलक्स को सिम्बॉलिकली के से रिप्रेजेंट करते हैं और कोरोला को सिम्बॉलिकली सी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये हमें फ्लोरल फार्मूला के अंदर यूज करना होते हैं उसके बाद एंड्रोशियम आ जाता है एंड्रोशियम जो है वो तीसरे नंबर वाला वर्ल है जिसके अंदर स्टेमस होते हैं और अमूमी तौर पर स्टेमनस भी मल्टीपल होते हैं तो स्टेमस के वर्ल को भी हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं और गायनोशियम जो है वो इनर मोस्ट वर्ल होता है फ्लार का और ये फीमेल रिपोर्टरी पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है जिन्हें हम लोग कार्पल का नाम देते हैं तो कार्पल्स की तादाद वेरी कर सकती है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं

फ्लार की बेस पे भी एक ये ग्रीन कलर कर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग ब्रेक्ट का नाम देते हैं तो जिन फ्लावर्स की बेस में ये ब्रेक्ट मौजूद है उन्हें हम लोग ब्रेक्टिएट का नाम देते हैं इसी तरह जिस तरह जो है वो लीफ जिस डंडी के जरिए अटैच था उसे हम लोग पेटियोल कह रहे थे तो फ्लार जिस डंडी के साथ जुड़ा होता है तो उसे पेडिसल का नाम देते हैं तो जिन फ्लावार्स के साथ पेडिसल मौजूद होते हैं ऐसे फ्लॉर्स को हम लोग पेडिसलेट फ्लार्स का नाम देते हैं

ऐसे फ्लार जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों मौजूद हो चाहे सेपल और पेटल हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता हमने स्टेमन और कार्पल को देखना अगर स्टेमन और कार्पल दोनों मौजूद हैं तो ऐसे फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं परफेक्ट या बाई फ्लावर का और इसके मुकाबले में अगर अकेला या तो स्टेमन मौजूद है और कार्पल मौजूद नहीं है या अकेला कार्पल मौजूद है तो स्टेमन मौजूद नहीं है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग इम या यूनिक फ्लावर्स का नाम देते हैं अब अगर उसमें स्टेमन मौजूद होगा तो ऐसे फ्लावर्स को स्टेमेट या मेल फ्लावर्स का नाम दे दिया जाता है और अगर अकेला कार्पल मौजूद हो तो ऐसे फ्लावर्स को पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर्स नाम दे, दिया जाता है मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया कि पिस्टल और कार्पल एक ही चीज के दो नाम है ये टर्म्स जो है वो एज जो है वो यूज की जाती है अमूमी तौर पर इसके बाद जी आ जाता है केलेक्स केलेक्स मैंने आपको पहले भी बता दी दर्ल ऑफ द सेपल्स इज कॉल्ड डेस्ट केलेक्स अब इसमें आपके पास सबसे पहले जो टर्म है वो पॉली है। पॉली का मतलब है, वो तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो नहीं होने चाहिए आसान से तरीका तौर पर वो काउंटेबल होते हैं जैसे आपको यहाँ पर फाइव सेपल्स नजर आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं पोलीसेपलस इसके ऑपोजिट होता है गेमोसेपलस यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम दी हैं राइट साइड वाली डायग्राम पॉली की है लेफ्ट वाली गेमोसेपलस की है तो आप अंदाजा कर सकते हैं बखूबी के गैमोसेपलस पोलिसप्लस से किस तरह से मुख्तफ है तो गैमोसैप्लस में जो होते हैं वापस में या यूनाइटेड हुआ करते हैं इसके बाद पेटलाइड आ जाता है ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये अमल तास या की डायग्राम है और डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको पेटल्स और सेप्पल्स दोनों नजर आ रहे हैं जरा गौर करें तो ये हमारे पास जो है वो पेटल है और ये सेप्पल है और सेप्पल और पेटल के कलर में थोड़ा सा फर्क है गौर कीजिए तो आपको जो सेपल है वो ग्रीन तो नजर आ रहे हैं कंपेयर टू पेटल्स लेकिन ये प्योरली ग्रीन नहीं है ग्रीन है तो अगर ये सिचुएशन हो कि जहां पर जो सेपल्स का कलर है वो थोड़ा सा पेटल्स को या थोड़े से ज्यादा पेटल्स को कर रहा हो या पेटल्स की तरह का हो तो इस कंडीशन को हम लोग पैटोलाइट कंडीशन का नाम देते हैं तो हमारे जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसमें के सी अमल तास जिसकी डायग्राम आपके सामने है इसके अंदर ये पेटोलाइट कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसके बाद कंपेन्यूलेट ट की टर्म कहाँ पे यूज होती है अगर आपके पास जो सेपल है उसमें जो सेपल है वो इस तरह से यूनाइटेड है कि एक बेल शेप दे रहे हैं यहाँ पे अगर डायग्राम के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सेपल है वो आपको बेल लाइक अपीरेंस दे रहा है ये देखें ये आपके पास सेपल्स का पूरा वर्ल है और ये इसकी अगर आप अरेंजमेंट देखें तो ये बेल की तरह से अपीरेंस आ रही है तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसे हम लोग कंपेन्यूलेट अरेंजमेंट का नाम देते हैं इसकी और टाइप्स भी हैं लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा कि मैं सिर्फ उन तक महदूद रहूंगा जो हमारे हमारे पास एग्जिस्ट करता है में, स्वीट में, जो कि हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस का हिस्सा है और ये सामने आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये भी उसी की है इसके बाद जी करोला आ जाता है करोला जहर सी बात है वर्ल ऑफ दैटल्स को कहते हैं अगर पेटल्स आपको अलग अलग नजर आ रही है आप उनको काउंट कर सकते हैं जैसे आपको चार पेटल्स नजर आ रही है ऐसी कंडीशन को पॉली पैटलस कहते हैं लेकिन अगर पेटल्स आपस में फ्यूज हो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फर्क करना मुश्किल हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग गैमो पैटलस कंडीशन का नाम देते हैं फिर एंड्रोशियम है जी एंड्रोशियम में क्या है सबसे पहले पॉली एंड्रस एंड्रोशियम में मेल रिपोर्डक्टिव पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप स्टेमन कहते हैं तो डायग्राम में देखें आपको स्टेम अलग अलग नजर आ रहे हैं और ये वाजह तौर पर अलग अलग है कि इनको आसानी से काउंट किया जा सकता है अगर आप चाहें तो इनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर तो इस कंडीशन को आप लोग पॉली एंडर्स का नाम देते हैं जहां पे स्टेम फ्री होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते डाइल्फस डाई का मतलब होता है दो तो डाई डाइल्फस वो कंडीशन है जहां पे स्टेम दो ग्रुप्स बना लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वाजे तौर पर दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ये एक अलग बात है कि एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेमन है और बाकी जितने है वो सारे के सारे दूसरे ग्रुप का हिस्सा है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन उसके बाद एपी पैटलस आ जाता है एपी पैटलस वो कंडीशन होती है जहां पर स्टेमन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है ऑन द सर्फेस ऑफ तो अगर स्टेमन पैटल्स के सर्फिस पे एग्जिस्ट करेगा ऐसी कंडीशन को एपी पैटलस का नाम दिया जाता है जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इसके बाद गनोश्यम आ जाता है जी फीमेल रिपोर्टिव पार्ट है पिस्टल भी कहते हैं कार्पल भी कहते हैं इसको फीमेल पार्ट पार्ट को इसके तीन हिस्से होते हैं सबसे सबसे ऊपर वाला ब्रॉड हिस्सा स्टिग्मा है है उसके नीचे नैरो स्टाइल और बेस में ओवरी है, जिसके अंदर ओव्यूल्स रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है अब अगर सिंगल ओवरी एग्जिस्ट करती है तो इस तरह की कंडीशन को आप लोग नाम देते हैं मोनोकार्पेलरी का तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ये एक कार्पल है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनो इसके मुकाबले में बाई कार्पेलरी में आप देखें आपको दो कार्पल्स नजर आ रहे हैं और पॉली कार्पेलरी में आप देखें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कार्पल नजर आ रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कार्पल्स नजर आ रहे हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली कार्पेलरी इसके बाद ये एपो कार्पस आ जाता है एपो कार्पस वो कंडीशन होती है जहां पर कार्पल्स फ्री होते हैं आप देखें आपको तीन अलग अलग कार्पल्स नजर आ रहे हैं ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है बल्कि फ्री हैं जबकि सिंह कार्पस कंडीशन में आपस में फ्यूज हो चुके हैं आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहे आपको सिर्फ स्टाइल से पता लग रहा है कि ये एक नहीं चूंकि है, है। तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैंने आपको मुश्किल में नहीं डाला इसके बाद एपीगानस एपिगानस ओवरी के रेफरेंस से होता है एपीगानस वो कंडीशन होती है जहां पर ओवरी जो है उसका लेवल जो है वो नीचे होता है और जो बाकी पार्ट होते हैं वो ओवरी के लेवल से ऊपर होते हैं आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर अगर देखें हम लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं बड़ा वाज तौर पे कि आपके पास ये जो लाइन है दिस लाइन सेपरेट्स द टू थिंग्स तो आप देखें रेड वाली लाइन से नीचे ओवरी मौजूद है जबकि जो आपके बाकी तीनों पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास सेप्पल्स हैं पैटल्स हैं और स्टेमन है ये ओवरी से ऊपर है तो अगर ओवरी इनसे नीचे है तो ओवरी इन्फीरियर होती है और इस कंडीशन को एपिगानस कंडीशन का नाम देते हैं इन्फीरियर का मतलब होता तो है नीचे पाया जाना इसके ऑपोजिट कंडीशन है हाइपोगानस हाइपोगानस कंडीशन में अगर आप गौर कीजिए तो ओवरी जो है वो ऊपर नजर आती है जबकि बाकी स्ट्रक्चर्स नीचे तो यहाँ पे ये ओवरी देखें ऊपर है और ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सेपल पैटल और स्टेमना ये ओवरी के नीचे से शुरू हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ओवरी चूंकि ऊपर होती है तो ओवरी सुपीरियर हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपोगानस कंडीशन का नाम दिया जाता है तीसरी और आखिरी कंडीशन होती है पेरी गानेस।, गानेस में क्या होता है ओवरी और जो बाकी तीनों पार्ट्स होते हैं फ्लार के स्टेमन वो चारों के चारों एक ही लेवल पे ग्रो करते हैं इसको पैरी गानेस कहते हैं पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द गायनस निकला है गानोशियम से गानोशियम का मतलब होता है फीमेल इसके बाद प्रेजेंटेशन की टर्म है ये भी अक्सर प्रैक्टिकल कॉपीज में दी होती है प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं प्रेजेंटेशन जो है वो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद द ओवरी ऑवल

इसके बाद फ्लोर फार्मूला है फ्लोर फार्मूला हमारे जो सिलेबस में पांच प्लांट्स है आपको सबके याद करना पड़ेंगे मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स दे दिए हैं फ्लोरल फार्मूला लिखते वक्त आपने किस चीज़ का ख्याल करना था सबसे पहले आप ये बताते हैं कि फ्लार एक्टिनो है या जाइगो है ये सारे करैक्टर्स में स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकेंड नंबर पर आपने बताना होता है कि वो हर मेफ्रोडाइट या बाइसेक्शुअल है यूनी सेक्शल है अगर बाइसेक्ल है तो ये वाला सिम्बल लगाते हैं यूनिसेक्शुअल है तो फिर आप देखते हैं मेल फ्लार यानी कि स्टेमिनेट फ्लार है या फीमेल यानी कि पिस्टिलट फ्लावर है तो अगर मेल फ्लावर होगा तो ये सिंबल यूज होता है फीमेल फ्लावर तो ये वाला सिंबल यूज होता है फिर केलक्स आपको जो है 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 नंबर 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 ऑफ 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 सेपल्स का का बताता है, का बताता है, बताता आपका पेटल्स और गानेशियम नंबर ऑफ कार्पल्स बताता है ये जो नंबर आपको यहाँ पे फाइव लिखा नजर आ रहा है उनकी तादाद बता रहा है आप गौर करें तो मैंने जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा है इसमें मैंने फाइव के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई है नीचे मैंने फाइव के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाई तो अगर आपस में फ्यूज है, है तो ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन अगर वापस में फ्यूज नहीं है और पॉली है तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाते लाइक के मामले में भी, भी सेम है ब्रैकेट का मतलब है कि वापस में है ब्रैकेट ना होने का मतलब है फ्री है एंड्रोशियम के केस में भी सेम मामला है आप एंड्रोशियम अगर दो ग्रुप्स की शक्ल में जैसे यहाँ पर सेवन प्लस थ्री लिखा हुआ ये कंडीशन अमल ताश में होती है उसमें सेवन स्टेमेंट्स की लेंथ एक जितनी होती है और बाकी तीन जो है वो बनस्बत बड़े होते हैं तो ये सेवन प्लस थ्री अरेजमेंट आ जाती है गानोशम ओवरी है ओवरी की तादाद एक है अगेन अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो फ्यूज होगा और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो आपको सेपरेट नजर आ रही होगी फिर आप यहाँ पे गौर कीजिए तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ अगर ओवरी सुपीरियर है, है। यानी ओवरी ऊपर है बाकी स्ट्रक्चर्स नीचे हैं तो आप अंडरलाइन करेंगे और अगर बाकी स्ट्रक्चर्स ऊपर हैं ओवरी नीचे है तो फिर आप इसको जो है वो ओवरलाइन करते हैं लाइन जी के ऊपर लगाई जाती है जी के नीचे नहीं लगती है लास्ट में हमारे पास फ्लोरल डायग्राम आ जाती है फ्लोरल डायग्राम आपको मुख्तु चीजें एक्सप्लेन करती है मिसाल के तौर पे आपको पर आपको यहाँ पर ये जो डॉट लगा हुआ नजर आ रहा है ये आपको बताता है कि मेन एक्स यानी वो तना वो ब्रांच वो ट्विक जिसके ऊपर फ्लार लगा हुआ है वो किस तरफ को है फ्लार की अटैचमेंट किस तरफ से है उसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ है दीज आर सेपल्स ये पैटल्स हैं

जो है वो फ्लोरल डायग्राम्स को देख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए आपको वो बनानी आनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर क्लास में आपको टीचर कहता है कि जी अपनी कॉपी निकाल के पैरामीशियम की डायग्राम बनाए या एनिमल सेल ड्रॉ करें तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आप जबानी एनिमल सेल को ड्रॉ कर सकते हैं आप जबानी पैरामीशियम को ड्रॉ कर सकते हैं तो ये जो आपको स्ट्रक्चर है फ्लोर फार्मूला ये आपको जबानी ड्रा करना आना चाहिए एग्जाम में आ जाता है मैं आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो एक एक करके प्लांट फैमिली को डिस्कस करूंगा उसके अंदर मैं वो तमाम करेक्टर डिस्कस करूंगा जो पेपर में लिखने के लिए आपको चाहिए आप एग्जेक्टली exactly वही करेक्टर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी तैयार हो जाएगी साथ में उसकी जो है वो डायग्राम्स प्रोवाइड करूंगा कलर डायग्राम्स भी प्रोवाइड करूंगा और स्केचिंग के लिए आपको ब्लैक एंड वाइट आउटलाइन वाली डायग्राम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में भी आसानी हो जाए और आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आसानी हो जाए तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू वेरी मच